कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे बिनूर फैशन एंड क्राफ्ट हाउस चैनल में। चलिए टुडे वी आर सेलिब्रेट एनवायरमेंट डे। जैसे कि आप जानते हैं आज 5 जून है और आज हम एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट डे आप सोच रहे होंगे आज हम किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, तो आप कुछ नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्राफ्ट की एक्टिविटीज लाते रहते हैं एंड अदर कुकिंग एंड अदर चीज एक्टिविटीज पे हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज हम जो है वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो सिंपल से एक छोटे से हैंडमेड क्राफ्ट की एक्टिविटी है। देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं ये हैंडमेड पेपर। ये मैंने जो बनाए हैं ये मैंने हैंडमेड पेपर बनाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने प्यारे पेपर बनाए कैसे। तो ये बहुत ईजी है, आप भी बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पेड़ हमारे एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि ट्री, जिनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं आज के टाइम पे हर कोई ट्री का इम्पोर्टेंट समझ चुका ही होगा कि हमारे लिए पेड़ कितने इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर जो हमारे बनाए जाते हैं वो पेड़ों को काट कर ही बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट से हमें दी जाती है, एनवायरनमेंट के आप सोर्सेज से हम कुछ बना रहे हैं, कुछ मेड कर रहे हैं, तो आप जितना भी उस चीज़ को रिसाइकल कर सकें तो वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए ये मैंने रिसाइकलिंग की है वेस्ट पेपर को। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घर में इस तरह के रजिस्टर होते हैं बहुत, यहाँ तक कि रजिस्टर नहीं, मैगजीन होती हैं जो पेपर न्यूज़पेपर के साथ आती है, न्यूज़पेपर होता है, इतने सारा वेस्ट पेपर होता है। और हम क्या करते हैं कबाड़े वाले को बेच देते हैं। हमें नहीं पता वो कबाड़ वाला क्या करता है उन चीज़ों का, लेकिन आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं अगर आप क्राफ्ट की एक्टिविटी करते हैं। आप ही नहीं, ऑलमोस्ट ये चीज़ें हर किसी के लिए रीयूज़ में ही आएगी। ऐसे नहीं है कि आप इनका ये सोचोगे क्या करेंगे। मेरे घर में भी जब मैं बना रही थी तो मेरे घर वाले बोले क्या करेगी इनका, बट ये मुझे मालूम है हम क्या कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ, आप इनका यूज़ गिफ्ट पैकिंग में कर सकते हैं, अच्छे से कार्ड बना सकते हैं, अच्छे से ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख सकते हैं और इन चीज़ों को उस पर डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस तरह के जो कलरफुल हैं इनके फ्लावर बना सकते हैं और अपने वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। ये मैंने इससे नहीं किया है, मैंने पेंटिंग की है। अगर आप देखते जा रहे हैं कि बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्राफ्टिंग इतनी चीज़ें आ रही हैं स्कूल, अब मम्मा को ही कराना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, तो ये उसमें भी काम आ सकते हैं। आप शॉप पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप ये कलरफुल पेपर जो है उनसे उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी शेप बना सकते हैं और बच्चों को इसमें कलर डिफरेंस यानी कलर्स के नेम समझा सकते हैं शेप बनाकर। यहाँ तक कि आप इनसे बर्थडे की डेकोरेशन भी कर सकते हैं, इस तरह से कलरफुल जो है सर्कल में यूज़ कर सकते हैं और इन पर हैंग कर सकते हैं और थ्रेड बांध कर इनको रूम में हैंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इनका कितना यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि इनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, तो आपके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस तरह के फूड कलर कलेक्ट करना है और ये वेस्ट पेपर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिया है आप ऐसे लिए, कुछ भी वेस्ट पेपर ले सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, अदर कुछ भी जो पेपर हो, वेस्ट पेपर यानी कि जैसे कि टिश्यू पेपर नहीं होगा क्योंकि टिश्यू पेपर पहले ही बहुत लाइट है, अगर हम उसको करेंगे वो तो वो नहीं बन पाएगा, लेकिन इस तरह के पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फूड कलर मैंने बताया, अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास पोस्टर कलर भी नहीं है तो घर पर टर्मरिक पाउडर होगा। जैसे कि मैंने ये टर्मरिक पाउडर लिया है, मेरे पास खाली डिब्बी थी तो मैंने इसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर भरा है, फिल किया हुआ है, आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा कलर आया है मेरे पेपर का, ये मैंने टर्मरिक पाउडर से ही बनाया है। अब आप सोच रहे हैं हम कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस रजिस्टर का, इन रजिस्टर जो होते हैं आपके पास यानी जो भी आपके पास पेपर है, आपको उसको टीयर करना है, अच्छे से टीयर कर लीजिएगा इस तरीके से, आपको ऐसे टीयर करना है। और आप इस टीयर करे हुए पेपर को, इन फाड़े हुए पेपर को एक बड़ा सा बाउल लेंगे, इनके बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें पानी फिल करेंगे और ये सारे उसमें डिप कर देंगे। अब आपको सोचना है कि कितने टाइम तक डिप करना है, तो आपको पूरे 1 डे इसको डिप करना है। करने के लिए आप 3-4 घंटे भी इनको डिप करके रख सकते हैं, लेकिन
जो अच्छे से ये पानी जो सोखते हैं वो पूरे एक दिन में सोखते हैं और आपके पेपर जो है बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग शेप में आ जाएंगे। जब आप इसको डिप कर लेंगे फिर हमें कुछ नहीं करना है। अगले दिन जब हम इसको मतलब पूरे अच्छे से पानी को सोख कर देंगे, भीग जाएंगे अच्छे से पानी में, तो आपको इनको मिक्सी में पीस लेना, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर फिर हम आपको बताएंगे आगे स्टेप बाय स्टेप करना कैसे। चलिए तो आप देख सकते हैं सुंदर प्यारी कलर आए हैं। चलिए हम सीखते हैं कि ये किस तरीके से बनाते हैं, आइए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वेस्ट पेपर को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं एक कलरफुल पेपर में, जो हम यूज में ले सकते हैं क्राफ्ट में, फ्लावर मेकिंग में, मैनी थिंग्स। सो फर्स्ट सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, ये वैसे मैंने पहले ही रेडी किया हुआ है इस तरह से, आप भी रेडी कर लेना जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से रेडी होता है। तो चलिए हम इसको अब मिक्सी में अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेते हैं, यानी कि इसको अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये थोड़ा पानी ऐड कर ये अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया, यानी कि अच्छे से इसको पीस लिया है। अब हम इसे एक अलग बाउल में अच्छे इसको सारे को, देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा ये जो पेपर का रिसाइकिल करने के बाद जो भी ये वेस्ट जो पेपर है वो इस तरह से बारीक हो जाएगा, ठीक है। और आप इस तरह से इसको पीस कर रख देख सकते हैं, मैंने ये पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी लिया है और ये जो ये रेड कलर दिख रहा है ये मैंने फूड कलर लिया है। आपके पास कैसे भी कोई भी अगर घर में कलर रखा हो फूड कलर, या आपके पास पोस्टर कलर रखे हैं तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं जिस कलर का आपको पेपर चाहिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी पानी होगा उसमें हम ये जो है ये अच्छे से ऐड कर लेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना। आप ध्यान रखना इतने पानी में 3-4 चम्मच की हमें नीड होगी, बड़े बड़े चम्मच आपको डालना होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने ये रेडी कर लिया था। अब हम इसमें अपनी ये जो छल्ली है जो हमारे पास इस तरह से जिससे आप घर पर डेली मम्मा आपकी मम्मी किचन में यूज़ करती है आप ये वो ही इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ। हम इसको धीरे से इस तरीके से इसमें पानी में अंदर डालेंगे ऐसे चलाते हुए, और इसको हल्के हाथ से ऐसे दोनों साइड से हम इसको ऐसे 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 राउंड राउंड में करते रहेंगे, और फिर धीरे से इसको ऐसे हम बहुत ही धीरे से ऊपर निकालेंगे और इसका सारा पानी सोख कर लेंगे, यानी कि अच्छे से इसका सारा पानी हम सोख कर लेंगे। तो आप इसको ऐसे गोल गोल धीरे धीरे घुमाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने ये सारा पानी अपना सोख करके निकाल लिया है। मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम इसको हम बनाएंगे आपको बहुत ही धीरे से और बहुत ही हल्के हाथ से इनको बनाना होगा। जितना आप धीरे धीरे इसको बनाएंगे उतना ही अच्छा बनेगा। जैसे ये हमारे पास ये हमने सोख कर लिया है पानी, तो आपको इस तरह से कॉटन का कपड़ा, अगर आप कोशिश करें तो आप कॉटन का ही कपड़ा लें क्योंकि बहुत ही जल्दी पानी को सॉफ करता है, और इसको धीरे धीरे और बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपको ऐसे इसके पानी को सॉफ करना है, इसको ऐसे धीरे धीरे आप ऐसे राउंड राउंड सेंटर में इसको घुमाते जाइए उसके पानी को ऐसे। देखिए आप देखो ये पानी सॉफ होने लगे है ना,
धीरे धीरे ऐसे ही करते रहें जब तक इसका पानी पूरे अच्छे से करे, इसको ये पानी सोख ना ले। ऐसे ही आपको कुछ इस तरह से ये कपड़े रखना है अपने पास और इसको ऊपर से इस तरह से इसके पानी को ऐसे अच्छे से सोखना है। ये इसको गोल गोल चारों तरफ आपको हल्के हाथ से, देखिए मैं कितने धीरे धीरे और हल्के हाथ से गोल गोल राउंड में कर रही हूँ। देखिए इसी तरीके से आपको करते जाना है जब तक आपका पानी, और जब ये पानी सोख ले कपड़ा इस पर, हम दूसरा कपड़ा लेंगे। ऐसे ही चेंज करते रहेंगे इसको धीरे धीरे। ध्यान रखिए पानी सारा ही सोख जाए पेपर का, क्योंकि अगर पानी भी थोड़ा सा भी पानी रह गया तो आपके पेपर अच्छा नहीं बनेगा, ये ना ही शेप आएगी। तो कोशिश करें हम सारा पानी अच्छे से सोख कर लें। तो हम अपना कपड़ा चेंज कर लेंगे, हमने दूसरा कपड़ा लिया है कॉटन का, और उसको ऐसे ही मैंने ये सारे घर पर जो पुराने कपड़े होते हैं ये वो लिए हैं, तो आप भी वही लें। देखिए मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ, मैं कोई जल्दी नहीं कर रही हूँ। सारा जब तक पानी हम ये सोख ना लें तब तक आप ऐसे ही करना है, और जब आपका पानी सोख ले, जब देखेगा आप कितनी अच्छी शेप और कितना अच्छा कलर निकल के आएगा इस पेपर का। और सबसे अच्छी बात ये है कि इससे हम अपने ये जो हम इस पेपर को रिसाइकल करते हैं कलरफुल, उसमें ये चीज़ हमारे बहुत काम आती है। ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है जो क्राफ्टिंग में करते हैं, क्राफ्टिंग से बहुत चीज़ें बनाते हैं, तो ये अच्छे से उनको यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल बच्चों के लिए जो स्कूल में एक्टिविटीज़ मिलती हैं क्राफ्टिंग की, तो ये पेपर तब भी काम आ सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं इस पर। और एक तरह से हम इसे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि पेड़ों को काट कर ही पेपर बनाया जाता है। तो हम इस एक्टिविटी से हम एक तरह से रीयूज ही कर रहे हैं। देखिए हाँ, ये भी पूरा अच्छी तरह पूरी तरह से गीला हो गया है। कोई नहीं, हमारे पास और है ये, आप अच्छे से इसको सोक कर लेंगे धीरे धीरे, इस तरह से धीरे धीरे लाऊंगी मैं आप इसे। ये मोस्टली ये हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। ये देखिएगा आप, ये मेरा फोर्थ पेपर है जो मैं बना रही हूँ अभी। 3 पेपर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ इससे। आप देखेंगे जब मैं इसको लास्ट स्टेप करूँगी इसका, ये मोस्टली इसका जितना भी जो भी इसका पानी था मैंने सोख लिया। आपको इससे 4 से 3 मिनट्स लगेंगे ऐसे करने में। देखो अभी भी ये मेरा धीरे धीरे, फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको बहुत ही धीरे से इस कपड़े को हटाएंगे। देखिए आप मेरे कितने प्यारा कलर और शेप निकल के आएगा। ये अभी भी बहुत धीरे से हमने ये हटा लिया, देख सकते हो आप, ये हमने पूरा अच्छे से कर लिया। ये वापस को अच्छे से सुखा लो। ये आप देख सकते हो। तो आप अपने इस छन्नी को इस तरह से बिल्कुल ऐसे हम ये इस पर
ये आप देख सकते हैं, इसको उल्टी कर देती हूँ। आपको ऐसे कॉटन का कपड़ा लेना और धीरे धीरे इसको ऐसे रोल करना है, राउंड राउंड सर्कल में आपको उसे रोल करना है, तो थोड़ा बहुत पानी होगा वो सोख जाएगा ऐसे। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे राउंड सर्कल में आपको चारों तरफ ऐसे करना होगा। जब आप पूरा ये करने लगे तो आप देखना, फिर से वन से हाँ वन मिनट आपको ऐसे करना होगा धीरे धीरे, और आपका ये पेपर हटने लगेगा। जब आप पूरा पानी सोक कर ले तो आप इसको वन टू हो गया, 5, 6, 7, 8, और आपको ये धीरे से देखिए इस तरह से शेप आ गई है, आप देख सकते हैं। आपको डरना नहीं है, हल्के से हाथ से आपको इसे करना है। ये हमने शेप तैयार कर लिया। आप उसके बाद ऐसा कॉटन का कपड़ा लेना है इस तरह से, और उस पर इस तरह से आपको ये बिछा देना है। जो थोड़ा बहुत पानी बच रहा होगा वो हम, ये जो बेलन है ये किसी के पास मिलेगा, मम्मी से ले लेना किचन से, और इसको हल्के हाथ से जब हम रोटी बेलते हैं आपको इस तरह से चारों तरफ में राउंड करना है। 1, 2, 3, 4 ऐसे, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस एंड डू लाइक दिस। आपको धीरे धीरे ऐसे ही सारे पानी को सोख लेना है, इससे हमारी शेप भी खुल आएगी पेपर की। और आप देख सकते हैं इसको धीरे से हटाना है आपको, ये बहुत धीरे धीरे आपको ये करना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा पेपर रेडी है। ऐसे ही देखो मैंने ये बनाए हुए हैं पहले से ही, आप देख सकते हो सेम इसी कलर के आप और भी बना सकते हैं घर पर, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा आपको ये आइडिया। ओके फ्रेंड्स, देखिए इनके कलर भी कितने रिच और कितना ब्यूटीफुल और शेप आ रही है, आप खुद से देखिए। ये पेपर आप सिर्फ फ्लावर बनाने के लिए नहीं, ये पेपर आप घर में जब गिफ्ट किसी को हम पैक करते हैं, वैसे भी लॉकडाउन में तो पैकिंग वगैरह सब चीज़ें घर से ही हो रही हैं, अगर आप पैकिंग करोगे किसी भी और इस पर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखोगे तो रियली बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा लुक आएगा, तो आप ट्राई करिएगा। देखिए मैं ऐसे ही और कलर बनाने वाली हूँ, आप देखिएगा।